अब तक माँ के बिना धरती पर किसी को जीवन मिलना असंभव माना जाता है। चाहे वह खुद की माँ हो या सेरोगेसी, लेकिन माँ के बिना जन्म असंभव सा है। ऐसे में कोई आपसे कहे कि अब बिना माँ की कोख के ही बच्चों का जन्म होगा, विज्ञान के क्षेत्र में यह नई खोज काफी चौंकाने वाली है। इस खोज से जो महिलाएं इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रही हैं, या जिनका यूट्रस कैंसर या किसी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से निकलवाना पड़ा है, उनके लिए भी एक खुशखबरी है। अब तक आपने फिल्मों में ही देखा होगा जहां इंसान को फैक्ट्री में पैदा किया जा रहा है। यह नज़ारा आपने 1999 में बनी हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स में देखा होगा, जहाँ एक फैक्ट्री में इंसान पैदा किए जा रहे हैं। इस फिल्म ने दुनिया भर के लोगों को हैरान किया था, मगर अब सच में एक ऐसी कंपनी ने दावा किया है कि वह हर साल 30,000 हाई क्वालिटी बच्चे पैदा करेगी। इस कंपनी का नाम एक्टोलाइफ है। एक्टोलाइफ नामक कंपनी उन सभी महिला पुरुषों की मदद का दावा कर रही है जिनके पास किसी भी कारण से बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं। एक्टोलाइफ के वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि माता पिता चाहे तो बच्चे के जीन में बदलाव भी करा सकते हैं। बच्चे की कोई भी खासियत जैसे बालों का रंग, आँखों का रंग, ऊंचाई, बुद्धि, त्वचा के रंग को अनुवांशिक रूप से 300 से अधिक जीनों के माध्यम से बदला जा सकता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रहने वाले एक्टोलाइफ के साइंटिस्ट और इस पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने वाले हाशिम अल गायली ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे आर्टिफिशियल गर्भाशय के जरिए बच्चों को जन्म दिया जाएगा। हाशिम अल गायसी पेशे से एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं और साइंस कम्युनिकेटर भी हैं। उन्होंने कहा, एक्टोलाइफ दुनिया की पहली आर्टिफिशियल बच्चा पैदा करने वाली कंपनी बनेगी। एक्टोलाइफ कंपनी ने अपने वेबसाइट पर बताया है कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 75 लैब बनाए गए हैं। हर लैब में बच्चों को पैदा करने के लिए 400 बेबी पॉड लगाए गए हैं। इससे मशीन के जरिए 30,000 बच्चे पैदा होंगे। ये बेबी पॉड एक मशीन है जिसे महिला के गर्भ की तरह डिजाइन किया गया है। जिस तरह माँ के गर्भ में भ्रूण के लिए एक निश्चित तापमान और वातावरण होता है, बेबी पॉड भी उसी तरह से बच्चों को पलने और बढ़ने में मददगार होगा। बच्चे को जन्म देने के लिए सबसे पहले मशीन में पुरुष के स्पर्म और किसी महिला के एग को मिलाया जाएगा। इसके बाद ही मशीन माँ की कोख की तरह अपना काम करना शुरू कर देगी। जिस तरह एक महिला के गर्भ में फ्लूइड होता है, उसी तरह आर्टिफिशियल गर्भ में भी एमनियोटिक फ्लूइड डाला जाएगा। गर्भ की तरह इसमें भी एक प्लेंसेटा या नाल जुड़ी होगी जो बच्चे तक पोषक तत्व पहुंचाएगी। 9 महीने बाद इस फ्लूइड को निकालने के बाद नवजात को भी मशीन से बाहर निकाला जा सकेगा। इस मशीन में पलने वाले बच्चे पर मॉनिटर के जरिए नजर रखी जाएगी, जिसके जरिए बच्चों की धड़कन, विकास, बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, दिल, दिमाग, बाकी शरीर के अंग और गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। मशीन के अंदर मॉडर्न सेंसर लगाए गए हैं जिनसे एक ऐप से कनेक्ट किया गया है। इस ऐप के जरिए इन सभी चीजों पर नजर रखा जा सकेगा। एक्टोलाइफ कंपनी के मुताबिक अगर किसी दंपति के पास इतना समय नहीं है कि वह लैब आकर बोर्ड में विकसित हो रहे अपने बच्चे को देख सके, तो वो बेबी पॉड अपने घर भी ले जा सकेंगे। हर पॉड के साथ बैटरी लगी होती है जिसे सावधानी से उठाकर अपने बेडरूम में भी ले जाया जा सकता है। तो कैसा लगा आज का हमारा पेशकश, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।